अब हमारे पास एक और फॉर्मूला बन गया साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई साइन इन, तो इसका फॉर्मूला बनेगा साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स। अब ये फॉर्मूला बना कैसे, ठीक ये बताता हूं मैं आपको। अगर आप देखोगे इससे पहले जितने भी फॉर्मूले थे वो सिंगल ट्रिग्नोमेट्री एंगल यानी साइन एक्स या टू टैन इनवर्स एक्स सिंगल एक्स था, अब यहां पर डबल एक्स आ गया, एक एक्स आ गया एक वाई आ गया, यानी दो अलग अलग एंगल्स हैं। तो अब इसमें हम लोग किसको हम लोग प्रूव करने के लिए लेट साइन इनवर्स एक्स को हमने मान लिया थीटा एंड साइन इनवर्स वाई को हमने मान लिया फाई। तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई साइन थीटा और वाई की वैल्यू क्या हो गई साइन फाई, कोई प्रॉब्लम? अब हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, अगर हम इन दोनों एंगलों को जोड़ते हैं अगर तो यानी कुछ ऐसा हो जाएगा थीटा प्लस फाई। भाई हम दोनों एंगलों को जोड़ेंगे तभी तो साइन इनवर्स में साइन इनवर्स वाई आएगा। तो अब हम इसका ले लेते हैं साइन, जैसे ही साइन लेंगे तो हमें ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला जनरेट होगा। अब साइन ए का हो जाएगा साइन ए प्लस बी का हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब साइन थीटा को हम लोगों ने क्या माना था एक्स, तो इसका मतलब अगर साइन थीटा को एक्स माना था तो क्या अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर कॉस थीटा हो जाएगा और अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर कॉस फाई हो जाएगा? क्या मैं अब इन सब वैल्यू को उठा के यहां रख दूं तो क्या हो जाएगा साइन साइन थीटा यानी एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस कॉस थीटा यानी हो जाएगा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और साइन फाइव हो जाएगा हमारे पास वाई। तो बेसिकली थीटा प्लस फाइव की वैल्यू हो गई साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज द आंसर। थीटा की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई कैन बी रिटन साइन इनवर्स। अब जब भी फॉर्मूला याद रखेंगे तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन ए कॉस बी, तो ये एक्स काम करेगा ए ये कॉस बी वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट वन माइनस स्क्वायर यानी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो इसका फॉर्मूला हम लोगों ने इस तरीके से सॉल्व किया, ठीक। अब जो इसी हिसाब से साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स अगर वाई होगा तो हम लोग साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला बनेगा साइन इनवर्स, यही फॉर्मूला बनेगा एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा और कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला बन जाएगा कॉस इनवर्स। अब कॉस ए प्लस कॉस बी तो कॉस ए अब यहां भी कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला आएगा तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए एंड साइन बी। सिमिलरली अगर ऐसा हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई तो कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस वाई स्क्वायर। तो हमारे पास साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई और कॉस इनवर्स माइनस कॉस इनवर्स वाई हमारे फॉर्मूला आ गए, ठीक। अब हमारे पास टैन का भी फॉर्मूला बनेगा। अब आप टैन का फॉर्मूला देख लीजिए कैसे बनेगा, टैन का फॉर्मूला बनेगा टैन इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स y। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के दो फॉर्मूले बनेंगे, पहला फॉर्मूला होगा यही फॉर्मूला होगा tan इनवर्स
एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, और ये फॉर्मूला भी बना उसी तरीके से टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला से, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस एक्स बना यही। तो इस ये फॉर्मूला तब होगा जब एक्स इंटू वाई वन से छोटा होगा, यानी हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई वन से छोटा देखना पड़ेगा। और टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का एक और फॉर्मूला बनेगा, और वो बनेगा पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई व्हेन एक्स वाई इज ग्रेटर देन वन, यानी जब एक्स वाई एक से बड़ा होगा तो पाई जुड़ जाएगा, क्योंकि तो तभी थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होती है तो पॉजिटिव वैल्यू निकलती है, क्योंकि यहां पर हमें एक्स वाई जब आ जाएगी तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, तो पाई माइनस नेगेटिव होगी तभी बाहर निकलेगा, पाई प्लस है तो इसका मतलब हमें इसमें पाई में जोड़ना पड़ेगा तभी पॉजिटिव में हमारा सेकंड क्वाड्रेंट प्रिंसिपल वैल्यू निकलेगी। अब टैन इनवर्स एक्स माइनस टैन इनवर्स वाई का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला बनेगा टैन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई, यानी सेम वही फॉर्मूला बनेगा। इसमें हमारे पास क्योंकि नीचे प्लस है हमें एक्स वाई की वैल्यू को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही फॉर्मूला हमारा तीन फॉर्मूले में काम करेगा, ये हमारे डबल एंगल के क्वेश्चन के फॉर्मूले बन गए। अच्छा, अब हमारे पास इसके बाद आ जाता है कि हमारे जो जितने भी फंक्शंस है हमें प्रिंसिपल वैल्यू के लिए उस फंक्शन का रेंज भी जानना पड़ेगा। अब हम आपको कुछ जो फंक्शंस हैं उनके हम रेंज के बारे में बता देते हैं, लेकिन इस रेंज को जानने से पहले हम इस साइन एक्स की ग्राफ एक बार बता देते हैं कि y इक्वल टू अगर हम साइन एक्स का ग्राफ जनरेट करते हैं तो ग्राफ की पोजीशन साइन एक्स की कुछ इस तरह से होगी। अगर हमारे पास यहां पर 1 है तो हम लोग एक 1 और माइनस 1 दे देते हैं, और इसका जो डोमेन है वो 0 टू 2 पाई के बीच में होगा। फिर जो ग्राफ जनरेट होके आ गया 0 टू 2 पाई का एवरेज हो जाएगा पाई, और इसका हो जाएगा पाई बाई 2, और इसका हो जाएगा 3 पाई बाई 2। तो जो ग्राफ जनरेट होके आ जाएगा वो कुछ इस प्रकार ग्राफ जनरेट होके आ जाएगा कुछ ऐसे। तो इसका मतलब जो रेंज हमारा काम कर रहा है, अब इसी का जस्ट डोमेन है तो उसका रेंज हमारा करेगा 0 से पाई के बीच में। तो जो साइन एक्स का जो रेंज होता है वो हमारा जो हमारा अगर 1 है तो माइनस 1 है तो ये आपका 1 का काम करेगा पाई बाई 2, और ये काम करेगा माइनस 1, क्योंकि जो ग्राफ का प्लॉटिंग हो रहा है जो इसका क्या नाम है जो टर्निंग पॉइंट है वो पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 जनरेट होगा, बाकी हर टर्निंग पॉइंट पर एक काम चल रहा है। तो मेन पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 भी काम किया, जो कि पाई बाई 2 की वैल्यू 1 और माइनस 1। तो ये मेरा बेसिकली साइन एक्स का तो डोमेन काम कर गया पर इनवर्स का रेंज काम कर गया। तो रेंज माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 इंक्लूडिंग माइनस पाई बाई 2, जो ब्रैकेट्स है वो ब्रैकेट इंक्लूडिंग होता है, माइनस पाई बाई 2 की वैल्यू माइनस 1 और पाई बाई 2 की वैल्यू 1 फिक्स कर जाएगा। सिमिलरली कॉस के लिए भी हमारा दूसरा ग्राफ बनेगा, ग्राफ की जरूरत नहीं, मैं यही ग्राफ जनरेट होके तो 0 टू पाई के बीच में होगा, कॉस 0 की वैल्यू 1 कॉस पाई की वैल्यू माइनस 1, तो 0 टू पाई के बीच इंक्लूडिंग 0 और पाई tan इनवर्स x, इसका भी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होगा, लेकिन माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 इंक्लूड नहीं होगा, क्यों? माइनस पाई बाई 2 की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी और पाई बाई 2 वैल्यू इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी वैल्यू ही नहीं होती है तो फाइनल रेंज काम नहीं करेगा इसके अंदर। नेक्स्ट कॉर्ड में भी हमारा काम करेगा 0 टू पाई एक्सक्लूडिंग 0 टू पाई, यहां देखिए अपना ब्रैकेट लगा, ये ब्रैकेट इंक्लूडिंग होता है ये ब्रैकेट एक्सक्लूडिंग होता है, तो ये 0 टू पाई है ये 0 टू पाई, इसका मतलब इसमें भी इंक्लूडिंग इनफाइनाइट काम करेगा। अब sec inverse, sec inverse में प्रॉब्लम ये आ जाएगी पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होती है पर sec पाई बाई 2 वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, पर 0 से पाई बाई 2 0 से पाई के बीच में होती है लेकिन बीच में जो पाई बाई 2 है वो एक्सक्लूडिंग होती है, तो 0 टू पाई हो गया एक्सक्लूडिंग पाई बाई 2। सिमिलरली cosec में भी हो जाएगा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 की वैल्यू cosec में भी 1 और माइनस 1 होती है लेकिन इसका 0 नॉट डिफाइंड होगा, पाई इसका नॉट डिफाइंड होगा, यानी कोसेक 0 की वैल्यू साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो कोसेक 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड हो गई, तो 0 इस स्पेस में भी नॉट डिफाइंड है लेकिन माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 इंक्लूडिंग होगा लेकिन 0 छोड़कर। तो ये इसका रेंज का फॉर्मूला है। अब इस रेंज के फॉर्मूले में प्रिंसिपल वैल्यू की बहुत जबरदस्त जरूरत है, मैं आपको एक प्रिंसिपल वैल्यू निकाल के दिखा देता हूं और इससे आपका ये क्लियर हो फिर हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। प्रिंसिपल वैल्यू जैसे हमारे पास है, मान लीजिए y इक्वल टू वी हैव अ कॉस इनवर्स
minus, I think, sine inverse 1 by 2. मान लेते ये वैल्यू. अब मुझे इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है. तो हमने माना 1 by 2 equal to sin y. अब बताइए ये 1 by 2 sin में किसकी वैल्यू होती है? 30 डिग्री. लेकिन 30 डिग्री तो होती है, तो क्या 30 डिग्री माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में होगी? यस होगी, क्योंकि माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू की वैल्यू, क्योंकि साइन में यहां पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, तो फर्स्ट में पॉजिटिव और सेकेंड में पॉजिटिव, लेकिन पॉजिटिव पहले में काम करेगा क्योंकि सेकेंड वाले पॉजिटिव में ये रेंज से बाहर आ जाएगा. इसलिए वाई की वैल्यू हो जाएगी पाई बाई सिक्स देन 30 डिग्री. लेकिन अगर मान लीजिए कि मैंने कहा कि भाई साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू की वैल्यू निकालनी है, अब इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, तो इसका मतलब माइनस वन बाई टू इक्वल टू साइन वाई, अगर हम इसको वाई मान लेते हैं, फिर ये पॉजिटिव फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ. तो साइन में नेगेटिव कहां कहां होगा? थर्ड में होगा, फोर्थ में होगा. थर्ड और फोर्थ में इस रेंज से बाहर आ जाएगा, लेकिन हमें नेगेटिव, लेकिन माइनस पाई बाई टू तो काम करेगा, तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं साइन वाई इक्वल टू साइन माइनस पाई बाई सिक्स. माइनस पाई बाई सिक्स, तो माइनस पाई बाई सिक्स भी काम करेगा माइनस वन बाई टू, तो माइनस पाई बाई सिक्स इसके बीच में हो गया, तो माइनस पाई बाई टू माइनस पाई बाई, तो इसका हो जाएगा माइनस पाई बाई सिक्स. अब मान लीजिए मैं अगर कॉस की बात करता हूं, अगर कॉस इनवर्स माइनस रूट थ्री बाई टू, अब माइनस रूट थ्री बाई टू, अब कॉस में माइनस थ्री बाई टू जीरो टू पाई के बीच में है. अब आप देखिए इसमें कहां कहां क्वाड्रेंट में, इसमें पॉजिटिव इसमें नेगेटिव, तो इसका मतलब कॉस का यहां नेगेटिव होगा और वैल्यू भी नेगेटिव में है, तो ये रेंज काम कर जाएगा कॉस जीरो टू पाई के बीच में, तो जीरो टू पाई के बीच में नेगेटिव काम करेगा, नहीं ये वैल्यू हम लेगा निकाल लेंगे. तो इसका मतलब वाई की वैल्यू हो जाएगी, अगर हम माइनस रूट थ्री बाई टू इक्वल टू कॉस पाई, तो ये माइनस रूट थ्री बाई टू की वैल्यू हो जाएगी पाई. रूट थ्री की वैल्यू क्या होती है? 30 डिग्री. तो पाई पाई सिक्स, तो इसका मतलब वाई की वैल्यू हो जाएगी कॉस पाई माइनस पाई बाई सिक्स. पाई माइनस पाई बाई सिक्स मतलब पाई में से पाई घटाओगे स्क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो स्क्वाड्रेंट के लिए माइनस काम करेगा, यानी वाई की वैल्यू हो जाएगी फाइव पाई बाई सिक्स. तो इसका ये हो जाएगा. तो इन सब रेंजों के लिए प्रिंसिपल वैल्यू निकालना ये सबसे इंपॉर्टेंट.